सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। दिसंबर के पहले जो रेट था उस समय लोगों ने कहा था कि दिसंबर के एंड तक इसका जो रेट है वो 9 लाख रुपए हो जाएगा बिटकॉइन का। लेकिन दिसंबर के अंत से पहले यानी उस डेट से पहले ही बिटकॉइन का रेट 12 लाख के ऊपर चला गया। यानी इतना कोई समझ नहीं रहा था, मात्र 6-7 दिन में ही उसका रेट 2,40,000 से बढ़कर 12 लाख के ऊपर चला गया और फिर धीरे धीरे ये डाउन होने लगा। मतलब जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको लोग डरा देते हैं कि बिटकॉइन बैन हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये आवासीय करेंसी है, कुछ भी हो सकता है, आपके रुपए डूब सकते हैं। लेकिन वो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं कुछ भी हो, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो उनके पास तो बहुत सारे बिटकॉइन होते हैं, ज़्यादा बिटकॉइन होते हैं। और जो लोग छोटे इन्वेस्टर हैं वो लोग डर जाते हैं और अपने बिटकॉइन सस्ते रेट में सेल कर देते हैं। जब वो जानते हैं कि रेट बढ़ता है तभी वो परचेस करते हैं, और जब उसका रेट गिरता है उस समय वो डर जाते हैं और सस्ते रेट में सेल कर देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अब बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है तो अभी और बढ़ेगा इसके बाद, तो हम अभी से उसे खरीद लें, बाय कर लें, इसके बाद में जब रेट आगे बढ़ेगा तो हम उसे सेल कर देंगे। ठीक है, तो बीच में क्या होता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर आ जाते हैं, वो डर पैदा कर देते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं कि हम लोग क्या है डर जाते हैं और फिर उसे सस्ते रेट में सेल कर देते हैं। पहले बहुत कम रेट जब इस शुरुआत हुई थी 6 रुपए में शुरू हुआ था, इसके बाद में धीरे धीरे इसका रेट बढ़ा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लोग समझा और लोगों ने समझा तो अभी वो मेक इन इंडिया जैसे डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। केवल पैसे से ही नहीं हो सकता डिजिटल इंडिया। लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का दुरुपयोग होता है, लोग इसे क्रिमिनल में भी क्राइम में भी यूज़ करते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी को ही सिर्फ लोग क्राइम में यूज़ करते हैं, क्या पैसे को क्राइम में यूज़ नहीं करते हैं? पहले जब क्रिप्टो करेंसी नहीं था तो क्या लोग पैसे का यूज़ नहीं करते थे क्राइम के लिए? वो अपने घर से के अनाज देते थे कि या क्राइम करो मैं आपको अनाज दूंगा, तभी तो पैसे का ही कारोबार होता था उस समय। तो लोगों के मन में ये बेकार की बातें, बेकार की फीलिंग्स हैं कि क्रिप्टो करेंसी से ही बहुत सारे क्राइम होते हैं। जी नहीं, क्रिप्टो करेंसी से तो होते हैं, बट पैसा जब क्रिप्टो करेंसी नहीं था तो पैसे का ही यूज़ होता था क्राइम में। तो सारे कुछ अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को किस तरह से उपयोग करें, यूज़ करें। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई करते हैं तो हम जो अक्षर यूज़ करते हैं अपनी भलाई के लिए, अच्छे कामों के लिए, अच्छी कविता, हम उन्हीं अक्षरों से अच्छी कविता हम बना सकते हैं और उन्हीं शब्दों का, उन्हीं वर्ड का, उन्हीं अक्षरों का हम यूज करके हम बहुत गलत तरीके से कोई लाइनें लिख सकते हैं, गाली गलौज दे सकते हैं, गलत बोल सकते हैं किसी को। उसी से हम भजन बनाते हैं, संगीत बनाते हैं, उसी से हम गंदी बातें भी लिखते हैं, उसी पेन से हम अच्छी बातें भी लिखते हैं, उसी पेन से हम गलत बातें भी लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए पहले रेट 5 लाख से ऊपर गया, उस समय रेट 2.5 लाख से भी, 2,40,000 से भी कम था और उस समय 5 लाख से ऊपर गया रेट बढ़ते हुए। इसके बाद में 5 लाख के नीचे आया और 2,40,000 अबाउट आया, आकर इसके बाद में 6-7 दिन में ही बिटकॉइन का रेट बढ़कर 12 लाख से ऊपर चला गया। तो जब भी मतलब रेट बढ़ेगा तो कम ज़रूर होगा, डाउन ज़रूर होगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। रेट डाउन होकर इसके बाद में फिर से बढ़ेगा, यानी डाउन अभी जा रहा है, इसके बाद में फिर से बढ़ेगा। तो अभी चांस है, सभी लोगों के पास चांस है कि अभी वो बिटकॉइन को खरीदें और इसके बाद में रेट इसका बढ़ेगा तभी उसे सेल करें। तो फ्रेंड्स जिस तरह से आप ये समझ लीजिए, इंडिया में कोई चीज़ जब चलती है तो
कोई भी चलाता है, कोई भी ऑनर है, तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। जैसे मान लीजिए आप गूगल की बात ले लीजिए, या फेसबुक की बात लीजिए, या ट्विटर की बात लीजिए, ठीक है, तो ये सब, यूट्यूब की बात ले लीजिए, इस सब जिसको भी चलाने वाले हैं वो सब ऑनर इंडिया के हैं। बट इंडिया में रहकर अगर वो ऐसा काम करते, फेसबुक चलाते और आगे बढ़ाने का काम करते, तो उनको शायद कोई सपोर्ट नहीं करता और वो ऐसा नहीं हो पाता। और आज वो बाहर रहकर ये सब सारा परफॉर्म्स करते हैं, उनका सभी सपोर्ट करते हैं, और फेसबुक अच्छी तरह से चल रहा है, ट्विटर भी चल रहा है, गूगल भी चल रहा है, और करोड़ों यूजर्स हैं इसके। बिना गूगल के आजकल बिल्कुल संभव ही नहीं है, बिना नेट के कोई भी चीज़ आज संभव नहीं है। अगर नेट थोड़ी देर के लिए भी बंद हो जाता है तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है लोगों का। तो फ्रेंड्स, यही बताना चाहते हैं कि जो भी अगर आगे बढ़ता है, कोई उसका ओनर बनना चाहता है, कुछ अच्छा काम करता है, तो उसका दिल से सपोर्ट करें, उसे बिल्कुल भी निराश ना होने दें कोई भी है। तो इसी तरह से आप भी आगे बढ़ते रहिए। मान लीजिए कि बिटकॉइन अगर डाउन आएगा, कितना डाउन आएगा, फिर इसके बाद में रेट बढ़ेगा। अगर बिटकॉइन बैन हो जाएगा, इंडिया में बैन हो जाएगा, तो दूसरी कंट्री में तो चलता ही रहेगा। आजकल है बिटकॉइन के बाहर एटीएम लगे हुए हैं, तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगे हुए हैं। बिटकॉइन से लेन देन होता है, सब कुछ होता है, बट इंडिया के लोग अगर नहीं समझते हैं तो उनको समझाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग नहीं समझते हैं, उनको बताना है कि किस तरह से इसमें लेन देन होता है, किस तरह से व्यापार होता है, तो उनको ये सब बातें बतानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी को आप सपोर्ट करिए, क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दीजिए, इसको गलत तरीके से बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, अच्छे कामों में लगाइए, अच्छी चीज़ों में लगाइए, और उसका लेन देन में यूज़ कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यही बताना चाहता हूँ। तो ये वीडियो को कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।